और इस बीच खबर बता दें, दिल्ली से सामने आ रही है जहां दिल्ली के बसंत विहार में भीषण आग लगी है और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल और कोशिश यही की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन जबरदस्त तरीके से वहां पर धुएं का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि काफी मुश्किलें आग बुझाने में हो रही है, लेकिन कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। हालांकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन धुएं का गुबार अभी भी वहां पर दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग रिपब्लिक भारत, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुजाता भी जुड़ेंगी, लेकिन आज की किन बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है सबसे पहले वो आपको बता दें। दो बड़ी खबर जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। पहला ये मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला जो हुआ है, इसे लेकर सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, अब वो खुद सवालों के घेरे में है। सीबीआई पर ही रिश्वत लेने का आरोप लगा है। दूसरी बड़ी खबर, नीट नहीं स्कैम है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जो छात्र हैं वो अब विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि अब ये जो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, लगातार देखिए हर दिन जो है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। और आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कह दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर एनटीए को जो है जवाब देना होगा, क्योंकि जो छात्र हैं वो लगातार नाराज इस बात को लेकर हैं कि जो पेपर लीक हुआ है, और साथ ही साथ ग्रेस मार्किंग को लेकर हालांकि जो स्टेप उठा लिया गया है और ये कह दिया गया है कि ग्रेस मार्किंग जो है वो वापस ले लिया जाएगा, और उसके साथ ही जो 1563 बच्चे हैं उन्हें वापस यानी कि री एग्जाम देना होगा। ये विकल्प जो है, यानी कि दो विकल्प है, या तो आप ग्रेस मार्क वापस ले लें या फिर री एग्जाम दें। हालांकि फिर भी जो छात्र हैं वो लगातार गुस्से में हैं, नाराज हैं, उन्हें चिंता इस बात की टेंशन है कि आखिर उनके भविष्य के साथ क्यों, क्योंकि लगातार सालों से कई सालों से वो मेहनत करते हैं, इसके बाद जब नतीजे सामने आते हैं तो वो हैरान और परेशान भी रह जाते हैं और लगातार जो है उनकी परेशानी की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव खबर से हम आपको पहले बताते हैं। एमपी में नर्सिंग कॉलेज घोटाला लगातार देखने को मिल रहा है, अब इसे लेकर जो है लगातार जो सीबीआई जांच कर रही थी वो अब सवालों के घेरे में है, लेकिन जांच अधिकारी ही अब बिक गए हैं। दिल्ली सीबीआई की टीम ने जांच में धांधली का खुलासा किया है, दोबारा से याचिका लगी है, अब नए सिरे से जांच के आदेश इस पूरे मामले को लेकर दिए गए हैं। इस खबर को विस्तार से बताते हैं, सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी सुजाता के पास।